संजय लीला भंसाली अपने करियर के दौरान कई फिल्में की है, जैसे कि देवदास, बाजीराव मस्तानी, ब्लैक और पद्मावत। संजय लीला भंसाली का घर का नाम और देख सकते हैं गाइस, घर कुछ इस तरह इनका दिखता है, बहुत ही खूबसूरत घर है, देख सकते हैं गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे मैं हूँ मुंबई में। जी हाँ, जुहू मुंबई में निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली जी का घर दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी इस टाइम पे मैं मुंबई जुहू में हूँ। और मैं गाइस आपको घर दिखाऊंगा संजय लीला भंसाली का, और चल के देखते हैं उनका घर किस तरह से दिखता है गाइस। और इस वीडियो में आपको घर का जो एड्रेस है वो भी बताने वाला हूँ, किस जगह पर है। तो गाइस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा संजय लीला भंसाली जी का घर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा घर का नाम, संजय लीला भंसाली का घर का नाम। और देख सकते हैं गाइस, घर कुछ इस तरह इनका दिखता है, बहुत ही खूबसूरत घर है, देख सकते हैं गाइस। और इनके देख सकते हैं घर का नज़ारा कुछ इस तरह है, बहुत ही शानदार घर है गाइस, आप देख सकते हैं। और ये घर की कीमत है गाइस, मैं आपको बता दूं, 150 करोड़ रुपए। जी हाँ, 150 करोड़ रुपए ये घर है संजय लीला भंसाली का। और गाइस मैं आपको इनका घर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और संजय लीला के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, वो किस तरह से आगे बढ़े, और निर्माता निर्देशक संजय लीला के बारे में। देख पा रहे हैं यहाँ गेट है, सामने सिंगल गेट है लकड़े का, और घर गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखता है। और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, पीछे की बात करें तो पीछे का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, ये दिखेगा कुछ इस तरह दिखे। वाह, बहुत ही खूबसूरत घर है, देख सकते हैं गाइस, वाह। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, यह घर पूरी की पूरी संजय लीला भंसाली की है, और यह आलिशान बंगला 8 महले का है। गाइस आपको बता दूँ कि इन दिनों बॉलीवुड की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से लेकर संजय लीला भंसाली सुर्खियों में हैं। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के मशहूर संजय लीला भंसाली 59 साल के हो चुके हैं। ये जितने भी फिल्म बनाते हैं काफ़ी कमाल के होते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के पहले संजय लीला भंसाली पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला जैसी फिल्म बनाई है, जो कि बहुत हिट हुई है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फिल्म के निर्देशक, निर्माता, यहां तक के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ संजय लीला भंसाली हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। निर्देशक संजय लीला की कमाई फिल्मों से होता है, वहीं स्क्रीन राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और निर्माता निर्देशक तौर पर काफ़ी अच्छी कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा भंसाली जी टीवी शो में भी बतौर जज भी शामिल हो चुके हैं। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली मुंबई के वर्सोवा में बहुत ही आलिशान बंगला है, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस बंगले का इंटीरियर काफ़ी शानदार है। संजय लीला भंसाली अपने कैरियर के दौरान कई फिल्में की है, जैसे कि देवदास, बाजीराव मस्तानी, ब्लैक और पद्मावत। तो गाइज आपको बता दूं कि इनके पिता का नाम है नवीन भंसाली और माताजी का नाम है लीला भंसाली। भंसाली ने अपने करियर की शुरुआत परिंदा से की थी, जिसमें वह असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उसके बाद फिल्म 1942 में ए लव स्टोरी की कहानी लिखी। 1996 में उन्होंने खामोशी द म्यूजिक का लेखक और डायरेक्शन किया। साल 1999 में उनकी किस्मत पलटी, फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भंसाली जी हैं। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली के जो पिता हैं वो फिल्म प्रोड्यूसर थे, हालांकि उनके पिता की फिल्में कर्ज में डूब गई और शराब का सहारा ले लिया, इसीलिए वो काम करना छोड़ दिया। और इनकी माता जी कपड़ों की सिलाई करती थी, और मुंबई के ऐसे एरिया में पले बड़े हैं जो इस एरिया का नाम रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। सो गाइज आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली का जन्म 24 फरवरी 1963
को मुंबई में हुआ। दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर में एक गुजराती परिवार में उनका जन्म हुआ था। संजय लीला ने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनकी मां का नाम लीला है। संजय लीला भंसाली अपनी मां से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, संजय लीला भंसाली अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। गाइस, आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली ने बहुत से फिल्में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम किया है, जिसमें डायरेक्टर का काम किया है गंगूबाई काठियावाड़ी, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला, गुजारिश, सांवरिया, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, इन सभी फिल्मों में डायरेक्टर का काम किया है, प्रोड्यूसर का काम किया, पद्मावत, गुजारिश, गोलियों की रासलीला, रामलीला, रावड़ी राठौर, सांवरिया, इन सभी फिल्मों में प्रोड्यूसर का काम किया। तो गाइज, आपको बता दूं, संजय लीला भंसाली का जो नेटवर्थ है 1 मिलियन से 5 मिलियन है, यानी भारतीय रुपये में संजय लीला भंसाली लगभग 37 करोड़ के मालिक हैं। तो गाइज, आपको बता दूं, संजय लीला भंसाली के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास काफ़ी महंगे महंगे कारें हैं, जैसे कि मर्सिडीज वेज एस क्लास है, जिसकी कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपए है, और साल से ज़्यादा की कीमत टोयोटा फॉर्चुनर भी है। तो गाइज, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।